खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर, जौनपुर सुरेरी थाना अंतर्गत अड़ियार अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खबर 24 लाइव न्यूज के रिपोर्टर ने की पड़ताल। जब चैनल के रिपोर्टर ने वहां पहुंचा और उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल भगवान भरोसे चल रहा है, नहीं था कोई डॉक्टर, नहीं था कोई कंपाउंडर, मरीज आके वापस जा रहे थे। जब हॉस्पिटल के अंदर की साफ सफाई को देखा गया तो पाया गया कि यहाँ पे नहीं थी साफ सफाई, और जिस रूम में पेशेंट को सुलाया जाता था उस रूम में बनाया गया था किचन। सरकारी पैसे का कर रहे दुरुपयोग अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अड़ियार के डॉक्टर और वहाँ के कर्मचारी। आइए दिखाते हैं संवाददाता रोशन सिंह की यह रिपोर्ट। चैनल में आपका स्वागत है, मैं रोशन। आज जनपद जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अड़ियार में उपस्थित हूँ। और पिछले कुछ दिनों पहले जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाए थे, आज उसी सिलसिले में फिर हमको सूचना मिली कि यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर या स्टाफ उपस्थित हैं कि नहीं हैं, हॉस्पिटल के बारे में कि क्या क्या व्यवस्था है क्या क्या नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर भी यहाँ उपस्थित नहीं है, सीट उनका खाली है। और इसके साथ साथ जो है आइए हम अंदर भी देखते हैं साफ़ सफाई और क्या व्यवस्था है, इसके बारे में भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ सुरती और पानी का बॉटल डिब्बा वगैरह रखा गया है। आइए और आगे हम दिखाते हैं आपको। और यहाँ देखिए ये रोटी फेंका गया है, हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि कपड़ा रखा गया है, ये घर बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है हॉस्पिटल में ये हम अपने कैमरामैन से कहना चाहते हैं कि एक खाट भी दिखाएं कि हॉस्पिटल है, यहाँ खटिया रखा गया है। और इसी के साथ साथ आइए और हम आपको अंदर ले चलते हैं कमरे में। ये देखिए यहाँ की ये व्यवस्था है, ये गंदगी है कि यहाँ कुर्सी फेंका गया है और ये खिड़की का पूरा कांच टूटा हुआ है। और ये जो है निर्मा और इत्यादि सुरती और ये सब चूना उना रखा गया है। आइए इसी कड़ी में हम आपको एक रूम में ले चलते हैं, अपने कमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। एक हॉस्पिटल का ये ओपीडी है, इसमें जो है कि किचन बनाया गया है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि ये घर जैसा जो है किचन बनाया गया है। यहाँ आपका हीटर रखा गया है, गैस चूल्हा रखा गया है और ये सब गिलास वगैरह डब्बा उब्बा सब रखा गया है। आइए हम आपको और आगे लेके चलते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची भी आई है, आइए जानकारी लेते हैं कि वो किस लिए हॉस्पिटल पे आई है। जी आपका नाम? श्रेया वर्मा। यहाँ किस लिए आई हैं? बुखार है, दवाई लेने। तो यहाँ कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट या कोई स्टाफ आपको मिला, दवा मिला? नहीं, दवा नहीं मिला। तो अभी हमारे द्वारा जो है फार्मासिस्ट से बात किया गया फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने कुछ पर्सनल काम से जौनपुर आए हुए हैं। जैसा कि यहाँ कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, आइए एक हमारे साथ चाचा हैं गांव के रहने वाले, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं और पूछते हैं। जी चाचा आपका नाम? सियाराम। सियाराम, तो ये बताइए चाचा, आप ही हॉस्पिटल में यहीं देख रहे, हॉस्पिटल का आप ही करते? हाँ, ये जो बंद रहा तो वैसे हम ही देखभाल। अच्छा, आप ही यहाँ देखभाल करते हैं और इस टाइम यहाँ कोई स्टाफ नहीं है? एक कोई है और तो चला गए हैं काम से। जैसा कि देखिए चाचा के द्वारा बताया गया और फ़ोन पे वार्ता भी हुआ फार्मासिस्ट से, डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया मैंने तो फ़ोन लगा नहीं, फार्मासिस्ट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ अपने पर्सनल वर्क को लेके जौनपुर आ गया हूँ और इस कारण से उपस्थित यहाँ कोई स्टाफ हमको नहीं मिले।